खुशामदीद कहते हैं आपको अपने चैनल पे। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो कॉकरोच किलर रेसिपी है, या रेमेडी समझ रहे हैं आप। ठीक है, कॉकरोचेस जो हैं वो पाकिस्तान में तो सब जगह ही होते हैं, और जहाँ पे सीपेज वगैरह का होता है प्रॉब्लम वहाँ पे तो ख़ास तौर पे होते हैं। जैसे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, चाहे नए हों या पुराने हों या घर हों, तो सीपेज प्रॉब्लम जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह ही है। तो वो उनको हेल्प करता है इनकी ग्रोथ बढ़ाने में, और फिर इनकी ब्रीडिंग जो है वो इजी हो जाती है। और जो छोटे कॉकरोचेज होते हैं वो ज़्यादा परेशान करते हैं बनिस्बत जो है वो बड़े कॉकरोचेज के। तो छोटे कॉकरोचेज जो हैं वो हर जगह कई प्रॉब्लम है, इवन के बाहर के कंट्रीज़ में भी होते हैं, अमेरिका वगैरह में भी, लेकिन वहाँ पे यूँ कि फ्यूमिगेशन सिस्टम होता है, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो फ्यूमिगेशन वाले आते हैं और वो करके चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर के अंदर हो जाते हैं कॉकरोचेज। तो खैर एनीवेज, उसके लिए जो रेमेडी है वो ये है कि इसमें जो है वो हमने क्या किया है, और इनका जो कॉकरोचेज है ये बहुत पुराना इंसेक्ट है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, इनका नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि बोरिक एसिड जो है वो केमिकल की दुकान पे या मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, इसलिए आपको वो आप ले लें। ये हमने लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून। अब इसमें जो है वो आप 4 टेबल स्पून जो है वो या तो अरारोट के डाल दें, जो कलफ लगाते हैं ना कपड़ों में, अरारोट पाउडर फॉर्म में होता है। अगर वो ना मिले आपको तो फिर आप जो भी फ्लावर होता है आपके घर में रोटी के लिए यूज़ हो रहा है, चाहे वो मिक्स आटा हो या जो है वाइट आटा हो, या फिर चक्की का हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो भी जो चल रहा है वो चक्की का चल रहा है, तो हम वही यूज़ करेंगे, वो हम ले लेंगे। इसमें आप, इसमें ही हमने 3 लिया है ना, तो हम 4 टेबल स्पून जो है वो उसमें आपको आटा यूज़ करेंगे। ये 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। और इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो चीनी जाएगी, किसी भी मिल जाए आपको, या जैसे भी हो आपके पास चीनी जो आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आप यूज़ कर लेंगे। 1 टेबल स्पून जो है हम चीनी का डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। अब इसको अच्छे तरीके से जो है वो आपने मिक्स कर लेना है, सही है। अब इसको आप जो है अगर पेस्ट फॉर्म में बना रहे हैं तो आपको उसको थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा, इसमें तकरीबन 1/2 कप या हो सकता है थोड़ा सा इससे कम या ज़्यादा जो है वो जाएगा। दूध डालें आप तो बेस्ट है, और अगर दूध अवेलेबल नहीं है तो फिर आप जो है उसमें पानी भी डाल सकते हैं, और अगर आप गोलियों के फॉर्म में बना रहे हैं तो फिर आपको उसकी डो यानी पेड़ा बनाना पड़ेगा, तो फिर पानी या जूस दूध आप जो यूज़ करें दूध करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो उससे फिर आप गोलियाँ बना लें, जैसे होती हैं ना गोलियाँ, इंसेक्ट किलर जो गोलियाँ होती हैं जो कपड़ों वपड़ों में भी रखी जाती हैं, ठीक है। तो फिर वो जो है आप बना के अपने कैबिनेट्स को पहले साफ़ कर लें, नीट एंड क्लीन कर लें, अगर फर्श पे लगाना है या रखना है तो वहाँ पे भी झाड़ू पोछा कर लें पहले, सही है। ये अच्छे से आपने मिक्स कर लिया। अब इसमें जो है वो हम डालेंगे, हम तो पानी डाल लें, आप दूध डालेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और आप डरिएगा नहीं कि चीनी है तो चींटियाँ ना आ जाएं, तो चींटियाँ नहीं आएंगी बल्कि बोरिक एसिड की वजह से वो दूर ही रहेंगी इससे। अब देखते हैं इसमें कितना पानी जाता है, हम पेस्ट फॉर्म में बना रहे हैं। मिक्सिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करें। बस काफ़ी आई थिंक अब नहीं जाएगा पानी। तो ये 1/2 से भी कम गया है, तो अब आप देख लीजिएगा कि कितना आपको जो है वो ठीक रखना है इसमें।
भी ऑयली मिक्स होगा। तो दूध से चीनी से जो है ये स्मेल अट्रैक्ट करेगी उनको, वो समझेंगे कि कोई शायद मिठाई वगैरह है या फिर केक है, इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा आते हैं ना, खुशबू से वो उसकी अट्रैक्ट होंगे। और फिर जो बोरिक एसिड है वो इनका काम तमाम करेगा, क्योंकि बोरिक एसिड इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नुकसानदेह है, तो उससे ये मरेंगे, मरेंगे नहीं तो ये गायब हो जाएंगे, और उसमें गायब होने में इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक हफ्ता लगेगा, या फिर आपको 2-3 दिन में आपको रिजल्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा, और तकरीबन छुट्टी हो जाएगी आपकी 2-3 महीने के लिए, फिर आप दोबारा बना के ये चीज़ कर सकते हैं। जो है वो तैयार है, ये कल जो है वो हमने ये गोलियाँ भी बनाई थी, ये देखें इसकी क्या कंडीशन हो गई, यहाँ से कॉकरोचेज आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, गायब है। ठीक है, ये डली हुई है, इसको हम नहीं हटाएंगे। आज हम जो है वो उसको पेस्ट डाल रहे हैं यहाँ पे, ये देखें इस तरीके से, बस। और ये ऐसी चीज़ है कि नुकसानदेह तो है नहीं, थोड़ा बहुत अगर खाने वाने का भी है आपको तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि यहाँ पे खाने की चीज़ें वीज़ें अगर कुछ रखी हुई है, कोई स्पूंस वगैरह है, कुछ इस तरीके से चीज़ें रखी हुई तो कोई इशू नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें बोरिक एसिड है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ज़्यादा वो हो, हार्ड हो और नुकसानदेह हो। ठीक है, तो बस इस तरीके से जो है वो आप इसको जहाँ जहाँ पे भी है, देखें अब हम आगे और डाल देते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हो जाते हैं कॉकरोचेस, यहाँ पे डाल देंगे, उस कॉर्नर पे डाल देंगे, ठीक है, यहाँ कॉर्नर पे डाल देंगे, तो इस तरीके से जो है वो फिर ये इसका रिज़ल्ट आपको इंशाल्लाह नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप इसको ज़रूर देखें, ट्राई करें, रेमेडी है, और अगर आपको लगे इसका रिज़ल्ट अच्छा तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें, कमेंट भी ज़रूर करें इसके ऊपर। थैंक यू सो मच।